क्या हुआ डुगू भैया, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। दीदी आज मेरे एग्जाम खत्म हो गए, बल्ले बल्ले। चलो डुगू भैया फिर दोनों मिलके टीवी देखते हैं। अरे नहीं दीदी, मेरा तो कुछ और ही प्लान है आज का। क्या प्लान है तेरा, मुझे भी तो बता। अच्छा अपनी प्यारी दीदी को नहीं बताएगा अपना प्लान। दीदी आज हम मेले घूमने चलेंगे। और डुगू भैया मेले घूमने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? चलो दीदी नानी से पैसे ले लेते हैं। चलो फिर नानी के पास। नानी नानी नानी। क्या हुआ बच्चे, इतना शोर क्यों मचा रहे हो, कहीं भूकंप आ गया क्या? अरे नहीं नानी कोई भूकंप नहीं आया है, हम आपसे पैसे लेने आए हैं। इससे अच्छा तो भूकंप ही आ जाता। अच्छा बताओ फिर पैसे किस लिए चाहिए? नानी तेरी मोरनी को मेले जाना है और मोर के संग उसको चॉकलेट और आइसक्रीम भी खाना है। बच्चों मुझे सब पता है, मोरनी का तो सिर्फ बहाना है, मेले तो तुम दोनों को घूमने जाना है। दीदी नानी को थोड़ा मक्खन लगाओ तभी पैसे देंगी। ओके। नानी तेरी मोरनी को मेले जाना है, मोर के संग भी उसको चॉकलेट आइसक्रीम खाना है। बच्चों बताओ तुमने मेले में क्या देखा? हाथी घोड़े बंदर भालू सब नाचे थे मेले में, उनमें से दो बंदर मिलकर टूट पड़ गए केले पे। हाथी घोड़े बंदर भालू सब नाचे थे मेले में, उनमें से दो बंदर मिलकर टूट पड़ गए केले पे। वाह बच्चों फिर तो मैं भी मेले जाऊंगी। अरे नानी रुको तो सही, पता है हमारे साथ आगे क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों क्या हुआ? खाके पीके मजे करके हम तो बैठे झूले में, झूले का पहिया टेढ़ा हुआ गिर गए हम तो ठेले पे। खाके पीके मजे करके हम तो बैठे झूले में, झूले का पहिया टेढ़ा हुआ गिर गए हम तो ठेले पे। ओहो बच्चों तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? क्या बताएं नानी, जो हमारे साथ हुआ उसको सुन के तो आप हमें कभी मेले ही नहीं भेजोगे।